हेलो फ्रेंड्स, अगर आप जानना चाहते हैं कि खरगोश को ठंड में क्या खिलाना चाहिए तो यह वीडियो आपके ही लिए है। आज के वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, तो चलिए जानते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं सुचित्रा और आप सभी का प्यारा खरगोश गुप्लू आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है रैबिट फन कॉर्नर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, अगर सबसे पहले सब्जियों की बात कही जाए तो हमें खरगोश को वही सब्जियां देनी चाहिए खाने के लिए जो कि विंटर सीजन में मिलती हो, मतलब जो सीजनली वेजिटेबल से वही खिलाना चाहिए। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि आजकल मार्केट में विंटर सीजन में भी आम मिलते हैं। मैं बस एक छोटा सा एग्जांपल बताना चाह रही हूँ, लेकिन हम सभी को पता है आम समर सीजन में आते हैं। तो आजकल सीजन कुछ भी हो, हर चीज हर समय मिल जाती है। लेकिन हमें खास तौर पर यह ध्यान रखना है कि खरगोश को वेजिटेबल्स या फिर हर्ब जो भी हम लोग दे रहे हैं वो सीजनली ही होना चाहिए, मतलब कि ठंड के मौसम में जो मिल रही है वही खरीद कर लाना चाहिए और अच्छे तरीके से पानी से धोकर अपने खरगोश को देना चाहिए खाने के लिए। तो ये तो रही बात वेजिटेबल्स और हर्ब के बारे में। अगर फ्रूट्स के बारे में बात करें तो फ्रूट्स के बारे में भी यही बात है कि जब भी हम लोग अपने खरगोश को कोई भी फ्रूट्स दे रहे हैं खाने के लिए एज ए ट्रीट की तरह, तो हमें वही फल देना है जो कि विंटर सीजन में मिलती हो। जिस तरह से हम सभी के लिए सीजनली फ्रूट को खाना सही होता है, वेजिटेबल्स को खाना सही होता है, ठीक उसी तरह खरगोशों के लिए भी सीजनली फ्रूट या फिर वेजिटेबल्स खाना सही होता है, उसके स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता है। अब चलिए हे के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, ठंड के मौसम में खरगोश को हे तो देना ही है। जिस तरह से हर मौसम में खरगोश को 80% हे देते हैं, उसी तरह ठंड के मौसम में भी खरगोश को 80% उसके डाइट में हे होना चाहिए, मतलब कि सूखी घास होनी चाहिए। बस ध्यान यहाँ पर रखने की बात ये है कि आप प्लीज एक बार चेक कर ले कि जो भी आप उसे सूखी घास दे रहे खाने के लिए वो ठीक होना चाहिए, मतलब उसमें फंगस या फिर वो हे गीली ना हो। इस चीज का खास तौर पर ठंड के मौसम में ध्यान देना पड़ता है। अब चलिए बात कर लेते हैं पानी के बारे में। अगर आप बहुत ही ठंड वाले इलाके में है और जो आपने बनी को दिया है पानी पीने के लिए वह पानी बर्फ बन जाता है, तब यहाँ पर ध्यान रखने की बात है। आप प्लीज इस चीज का ध्यान रखें कि वह पानी आइस ना बने। अगर बन भी जा रहा है तो आप उसे थोड़ा सा आप उसको वार्म करके दे ताकि वो लिक्विड के फॉर्म में आ पाए और आपका बनी पानी पी सके। तो ठंड के मौसम में खास बात ये ध्यान रखना है कि सीजनली फ्रूट्स वेजिटेबल्स हमें अपने खरगोश को देना है और पानी का ध्यान रखें कि वह बर्फ ना बन जाए। तो ठंड के मौसम में कुल मिलाकर इन्हीं बातों का खास तौर पर ध्यान रखना पड़ता है। अब बात आती है कि वेजिटेबल्स या फिर फ्रूट या फिर पैलेट पानी या फिर सूखी घास ठंड के मौसम में खरगोश को कितना देना चाहिए और कितने दिनों पर देना चाहिए, ये सारी चीजें मैंने एक वीडियो में बताया है। मैं सजेस्ट करूंगी कि आप वो वीडियो जाकर एक बार देख ले तो आपको एक पूरा आइडिया मिल जाएगा। क्योंकि अब वो इन्फॉर्मेशन अगर मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी तो यह वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। आशा करती हूँ कि आपको इस वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा होगा। आपके कोई डाउट्स या फिर कोई सजेशंस, कोई ओपिनियन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। मैं कोशिश करूंगी कि आपके जितने भी क्वेश्चंस या फिर आपके जो भी कमेंट आते हैं उसका रिप्लाई कर पाऊं। तो अभी के लिए बस इतना ही। मैं सुचित्रा और आप सभी का प्यारा खरगोश गुप्लू आप सभी लोगों से इजाजत चाहते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, गुड बाय।